पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर दिए विवादित बयान पर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेता अलग अलग शहरों में मौन धरने पर बैठे हैं। भाजपा ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग की। वहीं राजधानी भोपाल में मौन धरने पर बैठे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। अनादि टीवी से खास बातचीत में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कमलनाथ ने न सिर्फ इमरती देवी का अपमान किया बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान किया है। मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुर अधवर्यु ने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद आज मौन धरना दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम मंत्री मौजूद थे। हमारे साथ विश्वास सारंग ने, सर बताया क्या इस तरह की बयानों को? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक दलित महिला का अपमान होता है, एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का अपमान होता है और अपमान होने के बाद उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश होती है। अपमान कौन करता है? इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, जिसका निर्माण ओ ह्यूम ने किया, वो भी महिला थी, उस पार्टी के एक नेता द्वारा महिला का अपमान होता है और 24 घंटे बीत जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात नहीं होती, वहां से कोई खंडन नहीं आता। सोनिया जी उनको ये नहीं बोलते कि इस बयान को वापिस लें। प्रियंका गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन कर रही है, पदयात्रा कर रही थी, अब कहाँ है प्रियंका जी? क्या उन्हें इमरती देवी जी महिला नहीं दिखती? क्या उन्हें दलितों का अपमान नहीं दिखता? इस तरह यदि इस तरह की बातें होंगी तो मुद्दा तो बनेगा निश्चित रूप से। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि कमलनाथ जी जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, 40-42 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की कमाई खाई और अब मध्य प्रदेश की आम दलित महिला का अपमान कर रहे हैं, ये सहन करने लायक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि हाथरस में घटना होती है उसमें बीजेपी चुप रहती है, यहाँ जरा से बयान को तूल दे रही है बीजेपी। अब यदि उनको ये जरा सा बयान लगता है तो ये उनकी मानसिकता का परिचायक और जरा सा क्यों नहीं रहेगा, सामंतवादी है ना दिग्विजय सिंह जी। अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहें, जो मीनाक्षी नटराजन को ही टंच माल कह सकते हैं, उनकी मानसिकता समझ सकते हैं, और वो व्यक्ति जो संन्यास की उम्र में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है उससे महिला के सम्मान की अपेक्षा करोगे क्या आप? बिल्कुल, ये थे विश्वास सारंग जी, इनका यही कहना है कि जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है उसके खिलाफ ये अभद्र जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ आज ये मौन धरना दिया गया और सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं क्या इस तरह की चीजें वे अपने पार्टी के नेताओं से बर्दाश्त करेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवर्यु।